राजधानी के हसनपुरा इलाके में दो समुदायों के बीच कहासुनी के बाद पथराव हो गया। घटना सदर थाना इलाके के बंजारा मोहल्ला और मेहरा बस्ती की है, जहां देर रात गाड़ी पार्किंग को लेकर दो समुदायों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों ही पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पथराव की सूचना आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से समझाइश करके मामले को शांत करवाया। पुलिस ने इस मामले में करीब एक दर्जन लोगों को हिरासत में भी ले लिया है और पथराव के चलते करीब आधा दर्जन लोग घायल भी हो गए हैं। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है। एक ही कहा पुलिस प्रशासन से, कल की घटना भी जो मेहरा बस्ती और बंजारा बस्ती में हुई है, उस घटना में भी कुछ लोगों ने आकर के पूरी तरह से हमला किया बस्ती के ऊपर। आज जो हमला करने वाले हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। उस क्षेत्र में एक RIC की पुलिस की मिलकर के पुलिस पोस्ट बननी चाहिए। तीसरी बात, जो भी व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं उन सब के घरों के ऊपर एक सघन सर्च अभियान बनना चाहिए। घर के ऊपर पत्थर क्यों रखे हुए हैं? किसी के पास हथियार हैं तो, अगर लाइसेंस वाले नहीं हैं तो हथियार किस प्रकार से हैं? इनका सघन जांच पूरे क्षेत्र की हो और एक एक घर की जांच करके जिस व्यक्ति के पास तरह की चीजें उसके ऊपर सख्त कार्रवाई। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता यादविंदर शर्मा फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी यादविंदर, बताएं क्या कुछ है पूरा मामला। देखिए लवीना की, मैं बता दूं जिस तरीके से सदर थाना इलाके में कल जो हसनपुरा जो इलाका पड़ता है, जहां पर कल दो पक्षों में महज एक पार्किंग के विवाद को लेकर के झगड़ा हो गया था, विवाद हो गया था, उसके बाद जो पथराव की जो घटना सामने आई थी उसके बाद तमाम जो DCP जो वेस्ट जो है विकास शर्मा वो मौके पर पहुंचे थे। उसके बाद यहाँ पर पूरे मामले को यहाँ पर शांत कराया था, दोनों पक्षों के दोनों गुटों को यहाँ पर मामला शांत कराते हुए यहाँ पर समझाइश का प्रयास किया था। उसके बाद कहीं ना कहीं जो पुलिस है उसने कार्रवाई करते हुए जो पथराव करने वाले जो करीब एक दर्जन जो लोग उनको यहाँ पर हिरासत में लेके आई थी। उसके बाद जो तमाम जो महिलाएं आक्रोशित होकर के यहाँ पर सदर थाने पहुंची हैं और सदर थाना पहुंचने के बाद उन्होंने जो पुलिस की जो कार्यप्रणाली उस पर कहीं ना कहीं आक्षेप लगाया और यह कहा है कि जो दूसरा जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं आने जाने वाली जो महिला है उनके साथ छेड़छाड़ करता है। आए दिन ये घटनाएं देखने को मिलती है। उसके बाद तमाम जो महिलाएं वो आक्रोशित हो रही थी और जो दोषी है जो उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई करने की यहाँ पर महिलाओं ने मांग की थी। तो तमाम जो इस घटना के बाद तमाम जो आला अधिकारी है वो भी मौके पहुंचे थे। उसके बाद जो अरुण चतुर्वेदी जी हैं वो भी यहाँ पर मौके पर थे और उन्होंने पहुंचने के बाद उन्होंने भी पुलिस से है जो यहाँ पर दोषियों के खिलाफ जो कार्रवाई करने की उन्होंने मांग की है कि आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के ये लोग आक्रोशित रहते हैं, आए दिन इनके भी झगड़े होते हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो विवाद है वो सामने आ रहा था। अब फिलहाल यहाँ पर जो पुलिस है पूरे मामले को लेकर के उन्होंने आश्वासन दिया है तमाम महिलाओं को कि जो दोषी है उनके खिलाफ यहाँ पर बिल्कुल निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। लवीना जी, यादविंदर, जो घायल हुए उनकी हालत में क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए घटना में कुछ जो पत्थरबाजी हुई थी उसमें कुछ लोग घायल हैं, उनका यहाँ पर इलाज कर दिया और उनको प्राथमिक उपचार करने के बाद उनको यहाँ पर छुट्टी दे दी है। लेकिन लवीना मामला गंभीर यूँ है क्योंकि एक हसनपुरा इलाका पड़ता है और यहाँ पर आए दिन ये जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के पुलिस पहले से ही गंभीर है और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस जो है यहाँ पर जो लगातार जो गश्त करने की जो बात कर रही थी वो यहाँ पर दिखाई नहीं दी है। तो ऐसे में जो इलाके की जो लोग हैं वो यहाँ पर जो थाने पे पहुंचे हैं और उन्होंने विरोध जताया है उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली को, यही है कि पुलिस की वहां पर लगातार है जो गश्त होती रहे लेकिन पुलिस की ओर से यहां पर अभी तक बिल्कुल गश्त देखने को नहीं मिली है और नतीजा यह है कि आए दिन यहां पर जो घटनाएं देखने को मिल रही है ये पहली बार नहीं हुआ है रवीना, जब यहां पर पथराव की स्थिति बनी हुई है, झगड़े की स्थिति बनी हो, पहले भी यहां पर दोनों समुदायों में यहां पर झगड़े हुए हैं, पथराव हुए हैं। उसकी वजह यही है कि यहां पर पुलिस है जो लगातार गश्त नहीं कर रही है, पुलिस को यहां पर लगातार गश्त करने के लिए यहां पर जो अरुण चतुर्वेदी है इसके अलावा जो इलाके की जो महिला है उन्होंने यहां पर आवाज उठाते हुए यहां पर अपनी आवाज को बुलंद करते हुए यहां पर तमाम जो अधिकारी उनको यहां पर अपनी पीड़ा बताइए। बिल्कुल जी यादविंदर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बताते हैं जयपुर से खबर, जहां गाड़ी पार्किंग को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन।